आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस स्क्रीन को देख रहे होंगे, आप आपके पास से जूम इन जूम आउट कर सकते हो बेटा, जैसे कि मैंने आज के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में सेल यूनिट ऑफ लाइफ इसका जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताया था, अगेन मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को वही वाला पार्ट जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे बेटा एक डेटा नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें, किस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है लास्ट कॉन्सेप्ट को समझे थे। तो इसमें फर्स्टली बेटा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को साइटोलॉजी जो है वो दिखाई दे रहा है। तो साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ सेल। अब सेल का स्टडी करना जो कि साइटोलॉजी कहलाता है, ये एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। और सेल जो होता है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बींग्स का। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें सेल्स प्रेजेंट होता, मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेल। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल यूनिट जो प्रेजेंट है, तो ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें बेटा सबसे पहले जो है फर्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे वो थे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सेल का एक इंफॉर्मेशन दिया, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल का स्टडी किए थे। और इन्होंने सेल का जो स्टडी किए थे तो इस तरह से बेटा बैक्टीरियल सेल सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताए थे। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद, वो आए जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किए, और ये साइंटिस्ट जो है इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक कॉर्क का एक स्मॉल पीस जो है थिन सेक्शंस लेकर जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किए, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप में किन्होंने बेटा, रॉबर्ट हुक ने, कब की बात है ये 1665 की। तो 1665 में उन्होंने देखे और एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखे और उसका नाम जो है उन्होंने क्या दिया बेटा, सेल। और इसी क्रिप्शन उनकी फेमस बुक जिसमें उन्होंने पब्लिश किया, उस बुक का नाम जो है वह है माइक्रोग्राफिया। मैं ऑलरेडी पहले से ही सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए आया हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर फोकस करना है। ओके, इसके बाद देखो ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने बेटा सबसे पहले फ्री सेल को देखे थे, बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा, आरबीसी देखा, स्पर्म को देखा। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्म को देखने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे ल्यूवेनहॉक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आगे सेल थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किए थे। सेल थ्योरी का जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, तो सेल थ्योरी में बेटा सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ड्यूट्रोचेट, इन्होंने सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। लेकिन एक्चुअल जो सेल थ्योरी का जो क्रेडिट जो जाता है वो बेटा देखिए यहाँ पे जर्मन साइंटिस्ट करके दिया हुआ है। बेटा रेफरेंस बुक में जाओगे आप तो जर्मन साइंटिस्ट मिलेगा, जो कि एक बॉटनिस्ट कौन थे, सेल्डेन, और एक जूलॉजिस्ट है, क्या नाम था उनका, स्वान। तो सेल्डेन एंड स्वान जो है ये एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बेटा सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे। ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे, ये हमारा एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं जो एनसीईआरटी का, तो सेल थ्योरी बेटा देखिए, तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो है क्या है बेटा, सेल्डेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट है।
इन्होंने सबसे पहले जो बताया कि प्लांट जो कंपोज्ड होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ओके, और उसके बाद बेटा जो स्वान है, स्वान ने बेटा क्या बताया, ये ब्रिटिश है। अब देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी बोल रहा है उस पर हमको जाना है, एक्चुअल रेफरेंस बुक में दोनों भी जर्मन है, तो एनसीईआरटी ने ये भी इंफॉर्मेशन गलत दी हुई है, ठीक है। स्वान एनसीईआरटी जो बता रहा है वो क्या बता रहा है बेटा, ब्रिटिश, तो हमको ब्रिटिश ही याद रखना है, ठीक है। तो ये जूलॉजिस्ट है जिन्होंने एनिमल सेल जो है उसको उन्होंने रिपोर्ट की है, मीन्स एनिमल में जो आउटर लेयर जो होती है वो होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट में क्या होता है सेल वॉल होता है, ठीक है। इस तरह से इस बेस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है कि यहाँ पे बेटा जो एक ऑर्गेनिजम्स है वो इस तरह से बना होता है, तो एनिमल्स या प्लांट जो है कंपोज्ड होता है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ये हम लोगों को बेटा जो बताया, किसने बताया, स्वान एंड सेल्डन के हाइपोथेसिस से समझा। तो इसके बेटा इनके कुछ कंसेप्ट थे, कुछ पॉइंट्स थे, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसी में बेटा आप लोगों को मैंने ये जो सेल थ्योरी का जो कंसेप्ट है एक्चुअल कहाँ से लिया हुआ है वो बताया था, मीन्स एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है, लुईस पाश्चर हम लोगों ने देखे थे, उनका एक थ्योरी हम लोगों ने समझे थे, ओके, वहां से हम लोगों ने देखे थे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके कैसे एक स्वान नेक फ्लास्क की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वो बताए थे। तो इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं सेल थ्योरी के, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये पॉइंट्स जो है इसमें फर्स्ट क्या दिया बेटा, लिविंग बींग्स जो है वो किसका बना हुआ है बेटा, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। फर्स्ट पॉइंट जो है लिविंग बींग्स किससे बना होता है बेटा, सेल से। साथ ही साथ सेल जो है वो किसका होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। फिर सेल जो होता है बेटा सिमिलर स्ट्रक्चर और उसका मेटाबॉलिज्म भी सेल में क्या होता है, सिमिलर होता है। ये सब सेल थ्योरी के कंसेप्ट है बेटा, सेल थ्योरी में क्या बात कही गई है ये बताया हुआ है। और जो फंक्शंस ऑर्गेनिजम्स के जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, आपस में जो इंटरेक्शंस होता है सेल्स का उस पर डिपेंड करते हैं, ओके। फिर इसके बाद सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो है बेटा वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इसमें बेटा सेल नहीं होती है, ना सेल मेम्ब्रेन होता है और ना ही सेल वॉल होता है, ये एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, ओके। तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। पैरामीशियम जो कि बेटा प्रोटिस्ट में आता है, राइजोपस जो होता है ये फंगस है, और एक वूचर एरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो कि एक एल्गी है। तो ये जो है बेटा सेल थ्योरी के क्या है, एक्सेप्शन कैसे है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया हूँ, वीडियो लेक्चर पे ज्वाइन करके आप लोग वहां से स्टडी कर लोगे। फिर बेटा सेल का जो मॉडिफिकेशन जो दिया, अगेन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो जो है आपको याद होगा, रुडोल्फ विर्चो का जो कंसेप्ट है ये जो साइंटिस्ट है ये है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया बेटा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ये एक थ्योरी प्रपोज की है। मींस इसका मीनिंग क्या है समझ लो, इन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग सेल्स जो कि अराइज होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, इसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, ओमनी सेलुला ए सेलुला। और इसी थ्योरी को क्या बेटा, लॉ ऑफ सेल लिनिएज भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ सेल लिनिएज। और इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है वो किया था लुईस पाश्चर ने, कि एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, मतलब एक न्यू लाइफ जो आ रही है वो कैसे आएंगे, पहले से ही एक लाइफ है और उसी के बाद एक दूसरा लाइफ आ रहा है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि फर्स्ट लाइफ कैसे आया, लेकिन इतना हम जानते हैं कि पहले एक लाइफ थी उसी से एक दूसरा लाइफ आया हुआ है, ओके। ये जो है हमें किसने बताया, लुईस पाश्चर, ठीक है। 40 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, बहुत से लोगों का फोन म्यूट नहीं है, ओम शांति, किसका नाम है, नेक्स्ट टाइम से अपने रियल नेम से ज्वाइन करना, वरना मैं यहाँ से आउट कर दूंगा तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगे, और अपने फोन को म्यूट करके रखना है, ओके।
किसी का चैट आया देख लेते हैं। कल्याणी यस सर, मेरा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है, हेडफोन यूज करो, नेटवर्क में आओ, नहीं तो फिर से रीज्वाइन करो मीटिंग को। ओके, तो वॉइस क्लियर रहेगी। आज बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसे बेटा कितने लोग हैं जिनको आवाज क्लियर आ रही है, एक बार वॉइस में बता दो मुझे, ताकि कंफर्म हो जाए वॉइस क्लियर है मेरा। जल्दी से आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा मुझे, एक काम करो मैसेज में मुझे रिप्लाई दो। ऑडिंग क्लियर है बाकी लोगों को? दुष्यंत को आ रही है, टीसा को आ रही है, तेजस्विनी, हमीरा। ओके बेटा, सभी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, चेक करो अपना नेटवर्क कनेक्शन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है आगे का कंसेप्ट देखेंगे। तो बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल जो है, जो कि विरचो ने दिया था, ये हम लोगों ने देखे। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, अब इतना सारा इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं पढ़ना है। ओके ठीक, अभी हम लोगों को आगे का जो मेन पार्ट है वो हमें स्टडी करना है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो जल्दी से, आप लोग इतना डिस्टर्ब करोगे तो फिर क्लास जो है इंप्रेसिव नहीं हो पाएगा। दिव्या माइक ऑफ करो, दिव्या ओके। तो अभी देखिए बेटा यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग, प्लांट और एनिमल सेल का हम स्टडी कर रहे हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल के स्टडी के पहले और कुछ कंसेप्ट मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को, जो हम लोगों का लास्ट क्लास में हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बेटा ये देखे थे कि जैसे ह्यूमन बींग्स जो है इसमें 200 टाइप का सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट साइज और शेप होते हैं उसके, जिसमें हम लोगों ने देखे थे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है बेटा, क्या है बेटा, एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। उसी के साथ साथ बैक्टीरिया का यहाँ पे साइज, ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। लार्जेस्ट सेल जो आइसोलेटेड हुआ है बेटा वो किसका है, एगोबॉस्ट्रिच। ह्यूमन आरबीसी जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। और नर्व सेल जो है बेटा लॉन्गेस्ट सेल, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए, ध्यान से पढ़ लोगे एक बार। उसके बाद बेटा कुछ सेल के शेप होते हैं, जैसे डिस्क के समान होता है, पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर होता है, क्यूबॉइडल होता है, थ्रेड लाइक होता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल जो है उसके किस तरह से शेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका फंक्शंस होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्रेटरी फंक्शंस जो है वो कैसे होगा, उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन, डिस्क लाइक रहा तो क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉलमनर या क्यूबॉइडल रहा तो क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या करेगा, सेक्रेटरी फंक्शन होता है। ओके, माइक्रोविलाई यदि रहा तो इसमें विलाई प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो उसका ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो जाता है। ओके, फिर इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स आप देख रहे हो, और डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स के साथ यहाँ पे आप लोगों को क्या है, अलग अलग टाइप के फंक्शन सेल के देखने को मिलेंगे। ओके, फिर इसके साथ हम लोगों का कल जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्टडी कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है ये हम लोगों ने देख लिए थे। प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, कैप्सूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके थे। दुष्यंत आपका क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा, चैट ओपन नहीं कर रहा हूं मैं अभी। यूकैरियोटिक सेल हम लोगों ने देखे थे क्या डिफरेंस है, उसके बाद इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यूकैरियोटिक सेल का, फिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल, ये आप लोगों को याद करने के लिए कहा था मैंने, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना है, पीपीएलओ, आरएसएस, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल बैक्टीरिया के हमने क्लासिफिकेशन टाइप देखे थे, जिसमें कोकाई और बेसिलाई, विब्रियो और स्पैरिलम हम लोगों ने देखे थे।
फिर नेक्स्ट हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखे थे, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड क्या होता है वो हमने देखे थे। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। इसी में बेटा हम लोगों ने कोरोना एज अ बायोलॉजिकल हथियार, इस तरह से एक लेक्चर डाला होगा आपने देखे होंगे, तो हम लोगों ने किस तरह से बेटा एक बायोलॉजिकल हथियार बना सकते हैं हम खुद भी, वो मैंने कंसेप्ट आपको प्लाज्मिड को लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे बनाएंगे इस डायग्राम से समझाया था। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद नेक्स्ट मीजोजोम हम स्टडी कर रहे थे, तो मीजोजोम का फंक्शंस क्या होता है बेटा, मीजोजोम जो होता है ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम के साथ ही साथ यदि हम देखें तो मीजोजोम को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा कुछ इस तरह से होता है, जिसमें बेटा बीचों बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये मीजोजोम का, ओके ये होता है, और यहां से बैक्टीरियल सेल इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक बैक्टीरियल सेल इधर साइड और दूसरा इधर साइड डिवाइड होगा। बेटा किसी के फोन में क्लियर करके ऑप्शन लिखा आ रहा होगा उसको क्लिक करो, किसी एक के फोन में होगा, किसी हर किसी के नहीं, वो येलो मार्क जो दिख रहा है बीच में वो हट जाएगा, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम जाएंगी। देखो नीचे साइड राइट में क्लियर करके ऑप्शन आ रहा होगा किसी के, इसमें इरेज एंड क्लियर, यदि नहीं आ रहा होगा तो साइड में देखो एक पेंसिल मार्क दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट साइड में पेंसिल वाला सर्कल दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो, और फिर क्लियर ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लियर करो। किसी ने येलो मार्क जो है किसी के हाथ से हो गया था, आपको राइट नहीं करना बाकी लोगों को। अब मैं सेटिंग में जाके देखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा बेटा, इसलिए आप लोग खुद से कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते बेटा। मैंने पहले कहा हूँ ड्यूरिंग द क्लास कॉल ना करे, कॉल आएगा तो फिर यहाँ से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, आप लोगों को ये सिंबल यूज नहीं करना है बेटा। हेलो, मैं यहाँ से सेटिंग ऑन कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। फिर अब ये किसने एरो मार्क कर दिया यहाँ पर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कल स्टडी किए थे। सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, कि जो बैक्टीरियल सेल है थ्री लेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो थ्री लेयर कैसे होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर ये जो आता है सेल वॉल आएगा, और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स में भी हमने टू टाइप देखे थे, स्लिम लेयर देखे थे हमने और दूसरा हम लोगों ने कैप्सूल देखे थे। अब ये स्लिमी लेयर और कैप्सूल जो है वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। प्रतीक्षा म्यूट करो फोन को। ओके तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस समझे थे कि क्या एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स में डिफरेंस होता है। फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को समझाया था। तो देखो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग जो देख रहे हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स में बेटा ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे जो थिन लेयर जो आप देख रहे हो स्लिमी लेयर, ठीक है, एक तो क्या रहेगा बेटा ये जो स्लिमी लेयर कहलाएगा थिन वाला, और ये जो थिक रहेगा वो कहलाएगा कैप्सूल, और दोनों को मिला के कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद बेटा फ्लेजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया के टाइप्स हमने देखे थे, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लुफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। ये भी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, पास्ट के वीडियो लेक्चर से आप लोग स्टडी कर लोगे। नेक्स्ट बैक्टीरियल फ्लेजिला को लेकर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सारी चीजें बताया है, उसका स्ट्रक्चर और ये सारे इंफॉर्मेशन में आप लोगों को पहले ही बताया। ओके
अभी नेक्स्ट हम लोग बेटा यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, यूकेरियोटिक फ्लैजिला जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद बेटा फ्लैजिला जो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, पिलाई जो बना होता है पिलिन प्रोटीन से बना होता है, और फिमरी में किसी भी टाइप के प्रोटीन नहीं होते, ये हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में। उसी के साथ साथ बेटा फ्लैजिला जो है एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन फिमरी और पिलाई जो है किसी भी टाइप से लोकोमोशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ओके, पिलाई जो है वो कैसा हो सकता है बेटा, इलोंगेटेड हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। फिमरी जो है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में भी समझाया था। ठीक है, कैसे बेटा ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देखिए आप, पॉइंटेड आप ये यहाँ पे देखो, ये जो इस तरह से निकला हुआ जो दिख रहा होगा आपको, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ब्रिस्टल लाइक है। ठीक है, फिमरी जो है मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट है, बट पिलाई जो है रेड मार्क में जो दिख रहा है आपको वो पिलाई है, पिलाई पिलिन प्रोटीन से बने। मैक्सिमम नंबर में जो है वो फिमरी है, मिनिमम नंबर में पिलाई है। ठीक है, दोनों का रोल क्या होता है, फिमरी जो होता है इस तरह से बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है, फिमरी जो होता है बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेजल क्या हुआ बेटा, पेंसिल मार्क यूज नहीं करना आप लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद बेटा यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको जैसे कि कल बताया था, फिमरी जो है बैक्टीरिया को सरफेस पे अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, और पिलाई जो होता है बेटा क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चलो मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक बैक्टीरिया है, अगेन ये दूसरा बैक्टीरिया है, अभी दोनों बैक्टीरिया के बीच में बेटा, इसका माइक ऑन हुआ, बंद करो जल्दी से, क्लास डिस्टर्ब करूंगा नेक्स्ट टाइम से, ज्वाइन नहीं करने दूंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, ये इस तरह से दो बैक्टीरिया के बीच में सबसे पहले इस तरह से पिलाई जो है दोनों बैक्टीरिया को एक दूसरे से अटैच करेगा। अटैच करने के बाद बीच में यहाँ पे बेटा क्या होगा, इस तरह से ये जो ट्यूब बनी, इस ट्यूब को कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इधर जो जेनेटिक मटेरियल है, इधर साइड का जेनेटिक मटेरियल यहां से इधर साइड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं कॉन्जुगेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इस मेथड को, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। अब ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं सब दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बेटा ये जो लेक्चर हम लोग सेल बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं एंजॉय कर पा रहे होंगे, और कोई भी चीजों को रटना नहीं पड़ रहा होगा, एक एक पार्ट समझते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे 5 मिनट के बाद आपको फिर से मीटिंग ज्वाइन करना है बेटा, ताकि इसके आगे का पोर्शन आप फिर से कंटिन्यू कर पाओ। जैसे मीटिंग एंड हो जाएंगी आप फिर से रिज्वाइन करोगे मीटिंग को, तब तक समझो यहाँ पे जो भी पार्ट में बता रहा हूँ। फिर कल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि राइबोसोम, इसका हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब राइबोसोम क्या है और इसके फंक्शंस क्या है और किस तरह से काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कहने को बेटा राइबोसोम एक छोटा सा पार्ट, एनसीईआरटी ने इतना सा बता के कंप्लीट कर दिया है, बट बेटा राइबोसोम आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे, 12th में आप लोगों को कंप्लीट राइबोसोम के ऊपर एक प्रोटीन सिंथेसिस दिया हुआ है। यहाँ पे राइबोसोम, यहाँ पे सिंपल टर्म में लिखा है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या दिया हुआ है, राइबोसोम आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इतना बता के कंप्लीट कर दिया। बट इसके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर है। ईश्वरी क्या होता है राइबोसोम बेटा, प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते। ओके, 70S होते हैं या 80S होते हैं, डिंपल दिव्या 70S साइड ही बता रही है। दिव्या वहां पे देखो साइड में नीचे फोन को अनम्यूट करने का ऑप्शन आता है, अनम्यूट करके अगेन म्यूट करना आपको। डिंपल जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, आपके फोन में लेफ्ट साइड नीचे देखो माइक का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो फोन अनम्यूट होता है, तब आप बोल पाओगे, और उसके बाद फिर आपको अगेन म्यूट करना है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से भी अपने पास से ट्राई कर सकता हूँ।
गैलेक्सी J7 मैक्स कौन है बेटा, ये नाम बताओ अपना, नाम बताने के लिए कहा हूं, आउट होने के लिए नहीं कहा हूं। चलो कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट्स को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसा क्या होता है। ठीक, अभी आगे हम लोग बेटा राइबोसोम जो है ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं और क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सेल का मैंने डायग्राम बनाया, ये जो सेल है इस सेल में अभी यहाँ पे बेटा ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में इस तरह से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कहलाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं या फिर ऐसे फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं। यदि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहे तो इस टाइप के राइबोसोम, इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह से यदि मान लो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो इस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया इतना पार्ट? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदिति माइक ऑफ करो बेटा, और आप जहां पर भी बैठ रहे हो ध्यान रहे कि आपको चारों तरफ किसी भी टाइप का साउंड और नॉइज प्रॉब्लम ना हो, ऐसा रूम सिलेक्ट करो और बैठो ताकि आपकी वजह से बाकी किसी का ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब ना हो। दिव्या म्यूट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे राइबोसोम किस तरह से अटैच्ड होते हैं हमने देख लिए। अब यहाँ पे बेटा राइबोसोम यदि हम देखें तो ये 15 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर साइज में हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं जो कि इसकी स्मॉल सब यूनिट 50S और 30S में डिवाइड होते हैं। इस तरह से बेटा ये एक राइबोसोम है, ये आप देख पा रहे हो एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर में ये एक लार्ज सब यूनिट हो गई और दूसरा स्मॉल सब यूनिट हो गई, और बीच में आपको इस तरह से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है बेटा mRNA। आरएनए के थ्री टाइप होते हैं। ओके, आरएनए पढ़े हम लोगों ने, फुल फॉर्म क्या होता है दिव्या आरएनए का? कबीर, आरएनए का फुल फॉर्म चैट में रिस्पॉन्स दो या फिर वॉइस में दो। दिव्या, कबीर, 50 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते भी। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब आरएनए का रोल क्या होता है राइबोसोम के साथ, क्या कर रहा है ये? तो बेटा देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रही होती है, अब ये बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम ये सब मिलके प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, कैसे करेंगे तो इसका कंसेप्ट मुझे बहुत सारा बताना है, बट थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक मिनट के बाद आपको फिर से मीटिंग को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दिखाई दे रहा है जो कि 70S है, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम दिखाई दे रहा है जो कि 80S है। प्रोकैरियोटिक में इसका स्मॉल सब यूनिट डिवाइड जब होता है तो 50S और 30S में होता है, यूकैरियोटिक में जब डिवाइड होंगे तो 60 और 40S में होगा। ओके, इसके अलावा भी उसकी और भी स्मॉल सब यूनिट होती है बेटा, ये स्पेशल जब एग्जाम के कॉम्पिटिशन को टफ करना रहता है तो उस टाइम पे ऐसे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, मीटिंग एंड करने के बाद फिर से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगेन बेटा मीटिंग ज्वाइन करना आप लोगों को।